दोस्तों, क्या किसी ने खूब लिखा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपको अपने टाइटन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं सड़कों के प्रकार के बारे में। हमारा ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी क्लास टेंथ के लिए, क्लास टेंथ ज्योग्राफी का है और ये हमारा एनसीईआरटी का कलेक्शन है। जिनको भी मतलब कॉम्पिटेटिव की तैयारी करना है या आपको बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इस वीडियो को और ऐसे पूरे टॉपिकों को मैंने आपको एकदम लाइन बाय चैप्टर वाइज वीडियो को डाला है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और आगे मैं अपने बिना देर किए अपने टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था परिवहन, कि परिवहन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो उसे परिवहन कहा जाता है। अब है दोस्तों, परिवहन में मैंने आपको बताया था परिवहन के लिए मार्ग होता है कि या तो उसी वस्तु को आप अगर सड़क के रास्ते से लेकर जाते हैं तो सड़क मार्ग, रेल से लेकर जाइएगा तो रेल मार्ग हो जाएगा, वायुयान से लेकर जाइएगा तो वायुयान मार्ग हो जाएगा, और अगर उस वस्तु को आप जल के रास्तों से लेकर जा रहे हैं, नाव से लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जल मार्ग। और फिर मैंने आपको बताया था आपको कि अगर पाइपलाइन से कोई डीजल पेट्रोल को लेकर जाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पाइपलाइन मार्ग। जिसमें मैंने आपको कल सड़क मार्गों के बारे में बताया था और मैंने बताया था स्वतंत्रता के बाद जो सड़कों का है उसकी टोटल लंबाई कितनी थी, मैंने आपको बताया था 3.88 किलोमीटर था। और लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मैंने बताया था वो आपको महाराष्ट्र का बताया था नंबर वन पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पॉइंट है सड़कों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो सड़कों के प्रकार में देखिए, नागपुर सड़क योजना के द्वारा सड़कों का जो है चार प्रकार है। नागपुर सड़क योजना के द्वारा सड़कों के कितने प्रकार है, चार प्रकार। आप याद हो गए होंगे कि नागपुर सड़क योजना के द्वारा सड़कों कितने प्रकार है, चार प्रकार है, ठीक है। अब जैसे देखिए दोस्तों, कौन कौन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, जिला की सड़कें है, ग्रामीण की सड़कें है। अभी आप कैसे याद रखेगा, तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक गांव वाला है, एक जिला वाला है और एक स्टेट वाला है और एक नेशनल वाला है, ठीक है। तो आपका जो गांव वाला रहेगा वो ग्राम की सड़कें हो जाएगी, और जो आपका जिला में होगा वो जिला की सड़कें, और जो राज्य में होगा वो राज्य की राजमार्ग हो जाएगा, राज्य की सड़कें हो जाएगी, और जो आपका राष्ट्र में होगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्र की सड़क हो जाएगी। ऐसे कर आप याद कर सकते हैं, मतलब गांव गांव में ठीक है, जिला जिला में क्या दोस्तों, राज्य या राज्य से दोस्तों देश। तो जिसमें आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये आपका है क्या कि एक यह प्रांतों को जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों, प्रांतों को, मतलब स्टेट से स्टेट को जोड़ता है ये। तो राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रांतों को जोड़ता है, पहला पॉइंट ये किसको जोड़ता है दोस्तों, प्रांतों को। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो राजमार्ग संख्या 7 पेपर में ऑब्जेक्टिव दोस्तों आते हैं बिहार बोर्ड में, कि बताइए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। कितना है दोस्तों, 7 है, याद रखिएगा कितना है, 7। और है क्या दोस्तों की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, यह वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु, मदुरई से होते हुए कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहां तक फैला दोस्तों, कन्याकुमारी, ठीक है। और कन्याकुमारी दोस्तों कहां है, तमिलनाडु तक। इसकी कुल लंबाई की अगर आप बात कीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 2369 किलोमीटर है। इसकी आप संख्या के बात कीजिएगा तो कितना है, 288। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो 288। लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर। और ये कुल जो संख्या है 288, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई इनकी कितनी है दोस्तों, तो 66,590 किलोमीटर है। कितना है, 66,590 किलोमीटर है दोस्तों। आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सिर्फ कितनी है, तो 2369 किलोमीटर, ठीक है। इन सबकी जो आपका वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु, मदुरई से होते कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इनकी लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर। और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, 66,590 किलोमीटर। और इसमें कितने आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 288 है।
अब इसमें यातायात का कितना सामग्री को ढोया जाता है, कितना परसेंट ढोया जाता है, तो इसे यातायात का 40% ढोया जाता है, वस्तुओं को चाहे आदमी को चाहे किसी चीज को। अब दोस्तों इस राष्ट्रीय राजमार्ग में एकल लेन, जैसे बोलते हैं ना एक लाइन वाला है, दो लाइन, टू लाइन वाला है, फोर लाइन है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, फोर लेन लाइन है, फोर लेन कहा जाएगा, टू लेन कहा जाएगा, वन लेन कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों, सिक्स लेन भी आता है, एट लेन भी आता है। तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है एकल लेन कितने हैं, वन लेन कितने हैं, तो 32% है, और टू लेन कितना है, तो 56% है, और आपका चार या सिक्स या आठ लेन कितना है, तो 12% है। फिर सुनिए, वन लेन कितना है, 32%, टू लेन कितना है, 56%, और फोर या सिक्स या आठ लेन कितना है दोस्तों, 12%। आपको याद हो गया होगा एकल लेन कितना, 32%, टू लेन कितना दोस्तों, तो 56%, और फोर या सिक्स या एट, फोर सिक्स एट मल्टीपल कर लीजिए, 4, 6, 8, ये कितने हैं दोस्तों, 12%। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की परियोजना का जो चरण है वो दो चरण है, आप याद रखिए, कितने चरण है, दो चरण, एक प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। और इसमें गतिविधियों को, इसके जो भाग है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के, वो मुख्य रूप से तीन भाग है। पहला भाग है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, दूसरा है आपका पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, और तीसरा है एक्सप्रेसवे। पूछा जाएगा दोस्तों, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में कि बताइए कौन सा सड़कों का भाग या सड़कों का प्रकार नहीं है, तो सीमांत, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रकार नहीं है, तो सीमांत सड़कें नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं यही तीन नाम है, क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, एक्सप्रेसवे है, और क्या है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा है। अब दोस्तों आइए बारीकी से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यह राजमार्ग दोस्तों है क्या, इसको चतुर्भुज क्यों कहा गया है, तो दोस्तों ये चार वो है क्या कि आपका चार स्टेटों को जोड़ता है, कौन कौन, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को, ये जो आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जोड़ता है, यह मतलब कहां से कहां जाता है, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को यह राजमार्ग जोड़ता है, पहली बात। ये कितना लेन वाला है भाई साहब, 6 लेन वाला है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है कितना लेन वाला है, तो 6 लेन वाला है, ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो कितना है दोस्तों, 5846 किलोमीटर है, कितना है, 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज का जो आपका राजमार्ग है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6 लेन वाला है पहली बार, और कहां का है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, और दोस्तों क्या है, मुंबई है, ठीक है, नेम बड़का बड़का नगर याद रखिए, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है, चार को याद करना है, कितना है भाई साहब, मैंने बताओ आपको कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो 5846 किलोमीटर, कौन लेन वाला है, तो 6 लेन वाला है। अब दोस्तों दूसरा हमारा है कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, तो दोस्तों इसको मैं अपने हिसाब से मैं आपको बताया, देखिए ये जैसे आप मैप बनाते हैं तो उसमें आपका है क्या कि देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और दोस्तों राइट साइड में आपका पूरब होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, अपोजिट चलता है दोस्तों, ठीक है, हमारे किताबों को आप अपोजिट डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए आपका है क्या कि देखिए ये पूरा पश्चिम गलियारा, इसमें क्या क्या है, तो आपका उत्तर में क्या है, श्रीनगर है, और दक्षिण में कन्याकुमारी है, उत्तर में जो ये आपका रोड है, उत्तर में क्या है, श्रीनगर को जोड़ता है, और दक्षिण में कन्याकुमारी को, और पूरब में सिलचर को, और दोस्तों पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ता है। अब अलग सवाल आता है दोस्तों कि जो श्रीनगर है, ये आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी। अब ध्यान दीजिए आपका है क्या, सिलचर जो है कहां पड़ता है, ये भी आपसे पूछ सकता है कोई सवाल, तो असम राज्य में, सिलचर जो है असम राज्य का एक जिला है, ठीक है। अब दोस्तों कन्याकुमारी कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और पोरबंदर जो है आपका गुजरात में है, कहां दोस्तों, गुजरात में है, पोरबंदर एक बंदरगाह का नाम है, अब है क्या, पोरबंदर में ही दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ है, गांधी जी का ग्राम घर है, अब है क्या देखिए, और हमारे मोदी जी भी गुजरात के हैं जो प्रधानमंत्री है, और हम एक और दोस्तों आप बात याद रखिएगा कि हमारे नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ठीक है, एक आदिवासी महिला है। अब है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब ये देखिए उत्तर में क्या है, श्रीनगर है, दक्षिण में है कन्याकुमारी, पूरब में सिलचर है, पश्चिम पोरबंदर है, अब है क्या दोस्तों,
कि पूरा पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 3640 किलोमीटर है, 3640 किलोमीटर है, और उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है इस रोडो की, तो कितनी है दोस्तों 5846 किलोमीटर, कितना है दोस्तों 5846 किलोमीटर। पूरा पश्चिम वाला कितना है 3640 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण वाला कितना है 5846 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण वाला कितना है 5846 किलोमीटर है। अब है दोस्तों एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे दोस्तों ऐसा राजमार्ग है जिस पर बहुत ही तेजी से गाड़ियां चलती है, क्या सुना आपने, बहुत ही तेजी से गाड़ियां चलती है। अब इस राजमार्ग में दोस्तों देखिएगा, यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय, आपका ध्यान दीजिए, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कहां से कहां तक बना था, तो मुंबई से पुणे दोस्तों, कहां से दोस्तों मुंबई से पुणे, ठीक है। और रेल दोस्तों पूछेगा कि रेल भाई साहब कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने, मुंबई से दोस्तों थाने, कब 1853 में अंग्रेजों ने चलाया था। अब भाई का ध्यान दीजिए दोस्तों, यह भारत में 10 बंदरगाहों से जुड़ता है, कौन, एक्सप्रेसवे जो आपका राजमार्ग है वो क्या करता है कि भारत के 10 बंदरगाहों से जुड़ता है। पूछा जाएगा आपसे कि एक्सप्रेसवे कितने बंदरगाहों को जोड़ता है, तो 10 बंदरगाहों को जुड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 380 किलोमीटर, कितना है 380 किलोमीटर, और कितना लेन वाला है, तो 4 लेन वाला है, कितना लेन वाला है दोस्तों 4 लेन वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही क्या करें दोस्तों कमेंट भी करें, और क्या होता है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले, और आपके लिए इससे भी अच्छे क्वालिटी का और अच्छे कैमरा से आपकी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँ। और मैं लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको मदद करें, कहें मतलब आप मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट करूंगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।